morning students, today we are going to read subject English standard 3 lesson number 8. All it will say is story. Now I am going to read and explain to you. There are a great many Indian fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. Now this little fish had everything in the sea to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. समुद्र में लाखों की तादाद में मछलियाँ होती हैं. उनमें से एक मछली के बारे में स्टोरी है और जो बहुत छोटी है. समुद्र में उसके पास जीवन जीने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ पर्याप्त था. लेकिन क्या होता है, वो फिर भी दुखी थी. और वो क्यों दुखी थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी. उसे अपना साइज का प्रॉब्लम था कि मेरा साइज बहुत छोटा है. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइंड ऑफ अ फेस, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. इफ आई वेर ओनली लार्जर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. एंड he said it so many times that I think he believed it. वो क्या सोचती थी, अपने आप को जंतु मानने लग गई थी. लिटिल माई, मैं तो इतनी छोटी हुई जंतु जैसी. ये बार बार दोहराती रहती थी और ऐसा बोलती रहती थी कि अगर मैं थोड़ी बड़ी होती तो कितना अच्छा होता. और अब तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपने आप को माइटी मानने लगी है, इसी में बिलीव कर रही है. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for them. He went suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. क्या होता है, एक दिन अपने स्कूल फिश का जो पूरे स्कूल के साथ वो क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी. सब बड़ी छोटी मछलियाँ एक साथ थी. अचानक से वो अपने आप को जाल में फंसा पाते हैं. विदाउट वार्निंग जाल में वो फंस जाते हैं. जाल पड़ता है और फिर वो सब फंस जाते हैं. देयर वाज मच फ्लटरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वाज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. एंड जस्ट एज इट्स हाउ वाज बीइंग एम्प्टीड इन द बोट, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled to the mass and slipped back into the cool, clear water. How would it felt? क्या हुआ फिर, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाती है पानी में, पानी के उड़ने की आवाज़ फैल. यहाँ पे लिखा स्प्लैशिंग, फ्लॉटरिंग. बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाती है. जैसे ही जाल खींची जाती है ऊपर को, और फिर क्या होता है, बोट में वो खाली करने जा रहा है जाल को, तो जो छोटी फिश है अपने वो जो पंख होते हैं वो फड़फड़ा के क्या होता है, निकल जाती है नेट के होल में से और क्लियर ठंडे पानी में आ जाती है. और फिर खुश होके हाउ गुड इट फेल्ट, और वो अपने बहुत खुशी अपने में महसूस करती है. ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो इधर उधर चारों तरफ तैरने लगती है. एंड सम ऑफ द फिश ऑफ हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश. फिर जो अदर फिश थी जो उसे पहले से जानती थी, उन्होंने फिर ये बात कभी उसके मुँह से नहीं सुनी कि वो कुछ भी बन सकती है. लेकिन छोटा फिश नहीं बनना चाहती, स्मॉल साइज वाला फिश वो नहीं बनना चाहती. फिर वो कभी ऐसा उन्हें सुनाई नहीं देता, या ये फिश फिर कभी इस बात की शिकायत नहीं करती. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी फिश की स्टोरी है जो अपने साइज को लेकर इतनी परेशान है कि वो अपने आप को एक तरह का जंतु मानने लगती है कि यार इतना छोटा होना तो बहुत ही खराब है. काश मैं बड़ी फिश होती जैसे लंबी बड़ी होती. लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक दिन नेट आ गया जब वो तैर रही थी और जाल में सभी फंस जाती है. बड़ी होती है वो निकल नहीं पाती जाल में, नेट के होल से उनका साइज बड़ा होता है, बट ये छोटी होती है तो निकल जाती है. और फिर बाद में वो थैंकफुल हो जाती है कि चलो मेरा साइज छोटा था, आज वो अपने साइज की वजह से बच गई. जिस चीज़ से वो पूरी लाइफ चिढ़ती थी
जाती है और बड़ी सब फिश थी वो फंस जाती है नेट में। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी हमें ये बताती है कि जो भी कुछ जैसा हमें भगवान ने बनाया वो गॉड गिफ्ट है, हमें उसमें ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए। चलिए अब हम आपकी वर्कबुक ले आते हैं, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। Body is crying. The fish is swimming. Right body?
water. The fish is swimming in the water. The thief is running very fast. Right word is running. We are singing an Urdu song. Right word is singing. Okay. Now question number 8, make sentence of the following words. कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमें सेंटेंस में चेंज करना है. Fish, the fish is swimming in the water. Net, the hunter uses the net to catch the animals. School, the school of fish is unhappy. He was unhappy because he was ill. You can see all the sentences over here. Now students, lesson number 8 is over now. Today we have done exercise from 1 to 8. 1 से लेके 8 तक की एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी. वी विल मीट विथ लेसन नंबर 9 द बलून मैन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन बाय एंड थैंक यू.